वेलकम बैक टू माय चैनल और आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ की थी और आप लोगों का काफी अच्छा आया था तो मैंने सोचा कि यार थोड़ा सा और शेयर करते हैं और इट्स रैंडम फाइंड तो मैंने कुछ भी मंगवाया है तो काम चला लेना ठीक है आई आप जल्दी से मूव ऑन करते हैं अपनी वीडियो की तरफ लेकिन उससे पहले अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब एंड नाउ मूव ऑन टू वीडियो गाइज फर्स्ट है थ्री पैक ऑफ पर्ल वाले हेयर बैंड जो बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहे थे और आजकल मेरे को पर्ल वाली चीज़ों का थोड़ा सा शौक होता जा रहा है तो मैं ना कुछ ना कुछ मंगवाती रहती हूँ लुक एट हेयर बैंड थ्री टाइप में आएंगे थ्री डिफरेंट डिफरेंट शेप में आएंगे और इनके जो पर्ल हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट शेप में है डिज़ाइंस भी अलग अलग है तो सबसे पहला है ये बड़े वाला ये देखो इसका ना बीच में जो पर्ल दिए हुए हैं वो बड़े हैं और साइड में छोटे छोटे होते जा रहे हैं तो लगाने के बाद ये कुछ ऐसा लगेगा जो काफ़ी ज़्यादा प्रिटी लग रहा है नाइस ना सेकंड है ये वाला इसमें दिए हुए हैं छोटे वाले पर्स जो ये भी क्यूट लग रहे हैं लगने के बाद लुक एट द पर्ल और इनकी क्वालिटी काफी ज्यादा अच्छी है मेरे को काफी ज्यादा पसंद आ रही है नाउ द लास्ट वन इज ये वाला इसमें ना बीच में पर्ल के साथ गोल्डन स्टोन भी लगे हुए हैं मतलब गोल्डन के साथ स्टोन भी लगे हुए हैं और इसका साइज भी छोटा है सी काफी सुंदर लग रहा है तो तीनों का आप डिजाइन देख सकते हो अलग अलग है और तीनों अगर इकट्ठे लगाओगे तो नहीं तीनों तो अच्छे नहीं लग रहे हैं ऐसा सा कुछ लग रहा था तो क्वालिटी इज रियली नाइस मुझे काफी ज्यादा पसंद आया ये थी फर्स्ट परचेज मूव ऑन करते हैं सेकंड की तरफ सेकंड है ये थ्री पेयर ऑफ नेट के सॉक्स तो इसमें मुझे लगा था कि वाइट रिसीव होगा बट व्हाइट की जगह ग्रे रिसीव हुआ है बट क्वालिटी इज रियली नाइस मैं आपको ब्लैक वाला खोल के दिखाती हूँ क्वालिटी ए आई है एकदम और नेट में है काफी सुंदर भी लग रहे हैं मेरे को चाहिए भी थे ऐसे से ना पहनने के बाद बहुत ही ज्यादा ये ब्यूटीफुल लग रहे हैं लुक एट दी ब्लैक नेट इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है कुछ इस तरह से आएगा ये अपर आएगा और नीचे इस तरह से इन्होंने एक ये फैब्रिक लगाया हुआ है ताकि जो हमारा फिट पड़ता है वो एकदम से नेट वाला पार्ट ना हो क्योंकि अगर पूरा नीचे भी नेट होता तो वो जल्दी से फटने का मतलब फट सकता था बट ये वैसा नहीं है और जो ये वाला पार्ट आएगा ना ये भी थोड़ा सा कट में आएगा लेस लगी हुई है बहुत ही सुंदर डिजाइन है तुम इसमें तीन कलर मेरे को रिसीव हुए हैं एक है ब्लैक सेकंड है ये ग्रे वाला जो मैंने पहनकर देखा था ग्रे कलर और थर्ड है इसमें ये एक स्किन कलर बेज कलर तो काफी ज्यादा सुंदर लग रहा है क्वालिटी इज एवन बहुत अच्छी क्वालिटी है प्राइस के अकॉर्डिंग बहुत ही अच्छा पेयर आया है तीनों का कॉम्बो बहुत ज्यादा अमेजिंग है नेक्स्ट मैंने मंगवाई है ये हेयर बो बहुत ट्रेंडिंग में चल रही थी तो मैंने सोचा कि यार मैं क्यों पीछे रहूं मैं भी मंगवाऊंगी इसको अभी तक एक्चुअली मैंने ये खोली भी नहीं है आप लोगों के सामने ही मैं इसको खोलने वाली हूं क्वालिटी वगैरह तो बहुत अच्छी लग रही है देखने में इसकी और नेट की पूरी बो आएगी और ये काफी ज्यादा ट्रेंडिंग में चल रही है और भाई साहब ये मेरे को टूटी हुई रिसीव हुई है <laughs> मम्मी देखो बो अलग है और इसका क्लिप अलग है ये मेरे को टूटा हुआ रिसीव हो गया ये मेरे साथ बहुत कम होता है लेकिन जब होता है ना तो जो सबसे ज्यादा अच्छी चीज होती है उसी के साथ होता होता है तो ये कुछ इस तरह से आएगी चिपक तो रही है लेकिन उतनी अच्छी इसकी गम नहीं है ये हट सकती है तो कुछ इस तरह से आएगी लेस इज रियली नाइस बहुत अच्छी क्वालिटी की है काफी ज्यादा ट्रेंड में भी चल रही थी ये वाली स्पेशली ये वाला बो और इसका डिजाइन मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ तो गाइस लगने के बाद इसकी लुक कुछ ऐसी आ रही है आप देख ही सकते हो और वैसे तो काफी ज्यादा सुंदर है और इसकी लुक भी बहुत अच्छी आ रही है और मैंने खोली अभी है तो मेरे को पता नहीं था कि ये इसकी जो गम है ना वो उतनी अच्छी नहीं है ये हट रही है बार बार ये हट रही है तो इसको मैं पेस्ट कर लूँगी और उसके बाद यूज़ करूँगी वरना अगर मैं इसको मार्केट लगा के चली गई ना तो यार मतलब सारी लुक भी ख़राब हो जाएगी और ये भी ख़राब हो जाएगा तो क्या ही फायदा है अदरवाइज़ ये बहुत ही सुंदर सी बो है नेक्स्ट मैंने मंगवाया था ब्लिंग ब्लिंग का हेयर एक्सरीज़ वाला यंत्र जो चल रहा है आप बोल सकते हो और ये मेरे को ख़राब रिसीव हुआ है ये ऑन ही नहीं हो पाया ये वैसे ऐसे खुलता है और इसके जो ये आपको ग्लिटर दिख रही है ना बीट्स यहाँ पर हेयर की स्ट्रैंड लेकर इस तरह से इसको स्टार्ट करते हैं तो एक बीट यहाँ पर पेस्ट हो जाता है तो ये चला ही नहीं है चाइनीज़ आइटम में ना यही दिक्कत रहती है मंगवा लो और कैसा आएगा कैसा नहीं आएगा कुछ नहीं पता और इसी के साथ मैंने एक्स्ट्रा इसकी जो ये बीड्स हैं ये भी मंगवा ली थी मैंने दोनों चीज़ एक साथ ऑर्डर कर दी थी और ये एक्स्ट्रा बीड्स भी मंगवा ली तो ये बिल्कुल ही यूज़लेस हो गया या तो फिर मैं ये नया मंगवाऊं लेकिन यार मेरे को कोई पॉइंट नहीं लग रहा इतना पैसा वेस्ट करने का बट ये जो है ना ये वाली जो बीड्स है एक इनका फ़ायदा है कि ये ना मैं निकाल के इसको इस तरह से निकाल के ना अपने बालों में चिपका सकती हूँ ये चिपक जाएंगे ये देखो तो ये बहुत सुंदर लग रहे हैं ये तो यूज हो जाएंगे और इसमें तीन से चार शेड हैं ब्लू है पिंक है एंड दिस पर्पल वन जो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है तो ये वाला तो पैक में यूज कर सकती हूँ बट जो ये वाला पैक है ना इसमें जो बीट्स लगे हुए हैं ये यूज नहीं हो पाएंगे क्योंकि ये कुछ अलग ही आइटम है मैं देखूंगी अगर ये चल गया चल पाया भैया से बात करूंगी भैया ने इसका पोस्टमार्टम करके अगर इसको ठीक कर दिया तो आप लोगों के साथ डेफिनेटली शॉर्ट्स में शेयर कर दूंगी मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट की तरफ ये मैंने मंगवाया है हेयर बैंड अगेन और मैंने मुझे ऐसा लग रहा है कि हेयर एक्सप्री को ज्यादा ही मंगा लिए है बस ठीक है काफी अच्छी हैं देखा था ना वो जो माथा पट्टी टाइप चल रही है इस तरह की तो ये उसकी जगह ऑल्टरनेटिव है हेयर बैंड का आप इसको डायरेक्टली लगाओ वो आपको लेने की जरूरत नहीं है वो जो आलिया भट्ट ने पहना था मेरे को ध्यान नहीं आ रहा है अभी उसको क्या बोलते हैं आप इसको हेयर बैंड को लगा लो और अपने हेयर स्टाइल को बना सकते हो इस तरह से बना सकते हो जो भी आप बनाना चाहते हो तो क्वालिटी इज रियली नाइस बहुत अच्छा है मल्टीपल ड्रेसेस के साथ ये चलने वाला है साड़ी सूट या फिर लहंगा वगैरह जैसे अभी शादी का सीजन चल रहा है तो एकदम परफेक्ट उसके लिए ये आइटम है जो मुझे तो बहुत पसंद आया क्वालिटी भी इसकी बहुत ज़्यादा अमेजिंग है अब लास्ट मैंने मंगवाए हैं ये टेम्परेरी स्टिकर्स जो टैटू का काम करते हैं इसमें मेरे को बहुत सारे स्टिकर्स रिसीव हुए हैं इसकी शॉर्ट वीडियो तो मैं ऑलरेडी आई थिंक शेयर कर चुकी हूँ इसमें आपको बहुत सारे डिजाइन मिल जाएंगे और ये तो देखो ड्रीम कैचर कितना ज्यादा ब्यूटीफुल लग रहा है और एक मैं अभी आपको लगा कर दिखाने वाली हूँ अब मेरे को ना डिजाइन ढूंढना पड़ेगा कि कौन सा लगाऊ कौन सा लगाऊ आई थिंक ये बटरफ्लाई सुंदर लग रही है ये वाली ब्लू वाली बटरफ्लाई और इसमें भी बहुत कुछ है वैसे तो लेकिन हम ये वाली बटरफ्लाई लगाते हैं तो इसमें से मुझे जितना पार्ट चाहिए मैं उतना कट कर लूंगी जैसे मुझे सिर्फ यही वाली बटरफ्लाई चाहिए तो मैं इसको कट कर लूंगी और बाकी जो है वो बाद में यूज़ हो जाएंगे ये वाली बटरफ्लाई मैंने कट कर लिया है इसके ऊपर लगा हुआ है एक पेपर ये शीट लगी हुई थी ये मैंने रिमूव कर दिया और ना मेरा बड़ा मन था कि मेरे को यहाँ पे टैटू बनाना है तो मैं इसको यहाँ पे लगाने वाली हूँ और ये टेम्प्रेरी है दो से तीन दिन ही रहेगा उससे ज़्यादा ये नहीं रहेगा ये यहाँ पर प्रेस कर लिया है मैंने और अब मैंने लिया ये कॉटन इसको मैं कर लूंगी गीला इसको अच्छे से कर लिया है वेट अब ये वाला जो पेपर है ना मेन है हमारा इस वाले पेपर को हमें वेट करना है तो इसको मैं अच्छे से वेट कर लूंगी बहुत बढ़िया तरीके से डैब करके आप ना अच्छे से इसको वेट कर लेना ताकि जो भी स्टिकर है ना जो भी टैटू है वो आपकी बॉडी पर ट्रांसफर हो सके अब ये बहुत ही बढ़िया तरीके से गीला हो चुका है आई होप कि बहुत अच्छे से ये पेस्ट हुआ हो. और मैं इसको अभी ये रिमूव कर दूंगी ओ भाई सारा का सारा आ गया ये देखो इस पर कुछ नहीं है और कितना सही लग रहा है ये शाइनिंग वगैरह भी इसकी बहुत ही अमेजिंग है बहुत सुंदर लग रहा है यार इसकी बटरफ्लाई ना बहुत ही ज्यादा सुंदर है तो ये थी मेरी लास्ट परचेज और फाइनली मैंने यहां पर टैटू भी कर लिया है अब मैं कोई ड्रेस वगैरह पहनूंगी तो ये दिखाई देगा एंड गाइज जो भी आपको प्रोडक्ट्स परचेस करने हैं उन सभी का परचेज लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है आप वहां से जाकर डायरेक्टली परचेस कर सकते हैं एंड आई रियली होप हो आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई पसंद आई तो प्लीज उसको लाइक करें शेयर करें चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ऐसी और वीडियोज देखने के लिए नोटिफिकेशन बेल भी जरूर प्रेस करें एंड ऑलवेज टेक केयर ऑफ योर सेल्फ बाय बायस